मित्रों, आपने महिलाओं के यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और मारपीट के ऐसे बहुत से मामलों के बारे में सुना होगा जिसमें महिलाओं को शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने पतियों पर इस तरह के अत्याचार करती हैं जिससे परेशान होकर पतियों को अपनी शादी के फैसले पर संदेह होने लगता है कि ऐसी कौन सी अशुभ घड़ी थी जिसमें उसने शादी की। अगर आप भी एक सताए हुए पति हैं तो आपको हमारे ये कहने के पीछे का कारण अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हमारे इस वीडियो को देखकर आपको इस तथ्य पर अवश्य विश्वास हो जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। समाज में महिलाओं को समानता देने की पहल बहुत अच्छी है, परंतु उसकी आड़ में पुरुषों के अधिकारों को नजरअंदाज कर देना कोई समझदारी तो नहीं। लेकिन जब बात आती है किसी तरह के उत्पीड़न की, तो यदि ये महिला के साथ हो तो उसे गंभीरता से लिया जाता है, पर जब यही चीज किसी पुरुष के साथ होती है तो उसे गंभीर तो लेना दूर की बात है। उसकी बातों को ना तो पूरा सुना जाता है, ना ही उस पर विश्वास किया जाता है। यही कारण है कि आज कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी पत्नियों को सजा दी जा सके, पर जिन पतियों के साथ न्याय करने में कानून असफल रहता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसको दूसरे लोक में न्याय जरूर मिलता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सजाएं हैं जिसके जरिए पतियों पर अत्याचार करने वाली पत्नियों को दंड दिया जाता है। तो आपकी उत्सुकता को मिटाते हुए आइए जानते हैं पतियों को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को मिलने वाली सजाओं के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुन श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और कहने लगे, गरुड़, तुम्हें कलयुग की सही प्रकृति का ज्ञान अब भली भांति हो गया है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। आइए बताते हैं आपको उस प्रश्न के बारे में। दरअसल पक्षीराज गरुड़ ने श्री कृष्ण से बड़ी विडंबना से पूछा, प्रभु, आपने ये तो बता दिया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा और आपने उन्हें मिलने वाली सजाओं का वर्णन भी किया है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं यदि कलयुग काल में कोई पत्नी अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करेगी या उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट देगी तो उसके साथ क्या होगा? दूसरे लोक में आने के बाद क्या उनके लिए कोई भी दंड निश्चित किया गया है? तत्पश्चात गरुड़ महाराज की विडंबना को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने बोला, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा होना संभव है। कलयुग एक ऐसा काल है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसे पहले पुरुष प्रधान समाज की उपाधि दी जाएगी, उसी समाज में उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर ना तो कोई आवाज उठाएगा, ना उसके अधिकारों की मांग कोई करेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं जैसे पति को दहेज के झूठे आरोप लगाना, पति को धोखा देना, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा देना और पति के साथ तब तक रहना जब तक कि उसके पास धन है, ये सभी ऐसे पाप हैं जिनके परिणामों से अनजान पत्नियां ये पाप करती तो हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती। यदि उनके द्वारा की गई प्रताड़नाओं का हिसाब धरती पर नहीं हो रहा है तो उन्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। पत्नियों द्वारा अपने पति पर की गई प्रत्येक प्रताड़ना का हिसाब उन्हें नरक में देना होगा। आइए बताते हैं आपको ऐसे कौन कौन से दुष्कर्म हैं जिन्हें करने पर महिलाओं को नरक में किस प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पत्नी अपने पति का इस्तेमाल करती है और तब तक ही उसके पास रहती है जब तक कि उसके पति के पास धन है और धन समाप्त होते ही उसे छोड़ देती है, तो ऐसी धन की लोभी पत्नियों के लिए नरक में दी जाने वाली सबसे क्रूर सजाओं में से एक सजा तमिश्रम दी जाती है, जिसमें उस आत्मा पर लोहे की पट्टियों और मुगदरों से तब तक प्रहार किया जाता है जब तक उस आत्मा के मुख से खून न निकल जाए और वो बेहोश न हो जाए। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और पाप जो कि पत्नी के पति के प्रति धोखे से जुड़ा है, जैसे कि यदि कोई पत्नी अपने पति को दहेज मांगने के झूठे आरोप में फंसाती है और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करती है,
या उसे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण छोड़ देती है। तो ऐसे कृत्यों को गरुड़ पुराण में संदिग्ध पाप समझा गया है, जिसके लिए भी एक दंड निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसा करने वाली पत्नियों को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर ही भ्रमण करना पड़ता है और वो किसी दूसरे रूप में जन्म लेने के अवसर को खो बैठती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के पतिव्रता होने की बात कही जाती है, जहां एक तरफ पुराणों में माता सीता को उनकी पतिव्रता होने के कारण जाना गया, तो वहीं दूसरी तरफ कलयुग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जो आज पत्नियों को उनकी प्रताड़नाओं के कारण जाना जाएगा। लेकिन इन कष्टों से गुजर रहे पतियों को ये जानकर खुशी होगी कि ऐसा करने वाली पत्नियों को मरने के पश्चात एक बहुत क्रूर सजा का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसी पत्नियों को नरक में उसके शरीर को एक नुकीले धार वाले चाकू से गोदा जाता है और साथ ही उन पर कूड़े भी बरसाए जाते हैं। इस सजा के भागीदार पापी को मिलने वाला ये दंड असिता पत्रम कहलाता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना या अनुभव किया होगा कि बहुत बार आपको प्यार में धोखा मिल जाता है। यदि ये धोखा महिलाओं द्वारा किया गया है तो आपको बता दे, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में एक दंड के बारे में बताया है। ऐसा करने वाली महिलाओं को नरक में जानवर समझा जाता है और मल मूत्र भरे कुएं में डाल दिया जाता है। इसके अलावा आपने महिलाओं के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें, बलात्कार जैसा संदिग्ध पाप जरूरी नहीं सिर्फ महिलाओं के साथ हो। इस पीड़ा का सामना पुरुषों को भी करना पड़ता है, उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना किसी महिला को होता होगा। इसलिए समझना कि मर्द को दर्द नहीं होता कहीं से कहीं तक अनुकूल नहीं है। और ऐसे घिनौने पाप के लिए भी गरुड़ पुराण में एक दंड का निर्धारण किया गया है। जो महिलाएं पुरुषों के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने की कोशिश करती है या उन्हें संभोग के लिए विवश करती है, तो ये पुरुषों के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के शोषण में गिना जाएगा और इसके पापी को दंड स्वरूप नरक में मृत्यु के बाद मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों के बीच सजा भुगतान के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी एक और सजा के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो भी महिला पुरुष को संभोग के लिए मजबूर करती है, तो ऐसी महिलाओं को मृत्यु के उपरांत यमदूतों द्वारा वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां उस आत्मा को अपनी भूख मिटाने के लिए वीर्य का ही सेवन करना पड़ता है। यदि आप समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपने बहुत बार ऐसी घटनाओं के बारे में सुना या देखा होगा। एक पत्नी ने पति के खाने या चाय में जहर डालकर मार दिया। कलयुग काल में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जहां एक पत्नी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मारने की कोशिश करती है। उनका ये सोचना कि वो ऐसा करके अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर लेंगे, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही वो ये पाप करके धरती पर बच जाए, पर मृत्यु के बाद उन्हें इस कृत्य का भुगतान करना ही होगा। तो ऐसी महिलाओं के लिए नर्क में बहुत ही दर्दनाक दंड का प्रबंध किया गया है, जिसके चलते उन्हें नर्क में मृत्यु के बाद हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है, तो उसे नर्क में खून की नदी में फेंक दिया जाता है। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि मगरमच्छ, बाघ और सांप जैसे जानलेवा और खूंखार जानवरों से भरी एक भयावह नदी है, जिसमें किसी भी आत्मा के लिए दंड स्वरूप भेजना बहुत ही कष्टकारी होता है। इसके अलावा ऐसा ही एक और तथ्य पति की मृत्यु से जुड़ा है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ पुराण में किया गया। सीधे शब्दों में कहे कि यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, उसको नर्क में एक ऐसी सजा भोगनी पड़ती है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। इस पाप की भागीदार आत्माओं को नर्क में सैकड़ों सालों तक गर्म रेत पर चलना पड़ता है, और इतना ही नहीं, उसे इसके पश्चात गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीले ठूक दी जाती है। तो ये थी मित्रों ऐसी सजाएं जो किसी भी पति को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को पुराणों के अनुसार मृत्यु के उपरांत दी जाती है। आज हम स्त्री और पुरुष को एक ही पैमाने से नापने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ही बात को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, सिर्फ इसी कारण क्योंकि वो एक स्त्री है। तो मित्रों, यदि आप भी एक प्रताड़ित पति हैं या अपनी पत्नी द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आ गए हैं, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिए और हो सके तो अपनी पत्नी को जरूर दिखाना।
ताकि शायद ये वीडियो देखकर आपकी पत्नी के मन में मृत्यु के बाद मिलने वाली इन सजाओं का डर पैदा हो जाए और आपके साथ उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल द डिवाइन टील्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।